पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर रविवार को सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न संस्थानों पर मीठा शरबत और प्रसाद वितरण किया गया। उन्होंने भीषण गर्मी में राहगीरों और आमजनों को शरबत पिलाया। गंगा दशहरा के अवसर पर सभी के द्वारा मीठे शरबत का वितरण किया गया। आपको बता दें कि आज ही के दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी, लेकिन उस दौरान माँ गंगा स्वर्ग में रहती थी। ऐसे में माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने धरती पर आने का उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि गंगा माँ का प्रवाह वेग इतना तेज था कि उनके धरती पर आने से पूरी पृथ्वी पर कोहरा मच जाता और दुनिया तबाह हो जाती। ऐसे में माँ गंगा के कहने पर राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उनसे माता गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देने के लिए कहा और लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बहती रही। इसके बाद ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली, जिससे माता गंगा का धरती पर आगमन हुआ। इसीलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।